अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं आलू सूजी के कटलेट्स। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इस पर हम डाल देंगे ऑयल। सही, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे जिंजर पेस्ट। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, जीरा और जिंजर पेस्ट आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे एक कटी हुई हरी मिर्च, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी और कुछ हम इसमें डाल देंगे मसाले, जैसे कि लाल मिर्च, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर और नमक। इन मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। जब पानी में एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक छोटी कटी प्याज। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसमें हम डाल देंगे सूजी। सही है, आप सूजी डालते रहें और साथ में मिक्स भी करते रहें। इसको हम अच्छे से जल्दी से मिक्स कर लेंगे जब तक पूरा पानी एब्जॉर्ब ना कर ली सूजी हमारी। ये देखिए, सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। सही है, अब इसमें मैं डाल दूंगी मैश किए हुए आलू। सही, ये मैंने बॉईल कर दिया और उसके बाद इसको मैश कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आलू और सूजी आपस में अच्छे से दोनों एक साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये मिक्स हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा लो टेम्परेचर पर लाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लें या फिर कुछ भी, आप स्क्वायर शेप में मैंने ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। प्लेट पे भी आप इसको उसको ग्रीस कर लें। उसके बाद जो हमारा मिक्सचर था उसको हम उसमें निकाल देंगे। इसको हम हाथों की मदद से या स्पून की मदद से सही प्रेस कर लें, जिससे कि एक साइड लेवल हो जाए। मैं हाथों की मदद से इक्वल कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइट करके ना आप जोर दे के प्रेस कीजिएगा, जैसे कि कोई बीच में स्पेस वगैरह ना हो। इसको हम 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ये देखिए, 15 मिनट हो गए। अब इसको मैं स्क्वायर शेप्स में कट कर लेती हूँ। ये देखिए, कट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने दूसरे पैन में ऑयल गरम कर लिया था, अब उसमें हम ये जो हमने स्क्वायर्स काटे थे कटलेट से वो डाल देंगे फ्राई होने के लिए। फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए। इसको एक साइड से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसको मैं टर्न कर लूँगी जैसे दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको आप शैलो फ्राई और डीप फ्राई दोनों कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ये देखिए, दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। इसको हम एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे आलू और सूजी के कटलेट्स तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।